अरे भाई ना, राम राम भाई। मैं हूँ अजय सारण, और सारण खाप चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं जान ले रहा हूँ हरियाणा पार करके यूपी में। यूपी में भी सारणा के बहुत से काम है, पर आज लंबा फेटा है भाई, देखी जाए कितने दिखा पाऊंगा। तो चलो मैं लेके गांव में आज जा रहा हूँ, उस गांव से 25-26 किलोमीटर दूर हूँ। और मैं देखो जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरे बगल में गंगा नहर है। देखो ये जो दिख रही है इधर, गंगा नहर है। भाई चंदौड़ी पहुंच गया हूँ, सामने एक गांव है चंदौड़ी, दिखाऊंगा ये चंदौड़ी गांव है। चलो ले चलता हूँ अंदर भाई। चंदौड़ी खास में पहुंचे हैं, चंदौड़ी खास नाम है ना, चंदौड़ी खास गाँव का नाम है चंदौड़ी खास। और यहाँ मैं पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे कांटेक्ट हुआ था भाई से, भाई का नाम है नितिन सारण। तो वो तो अभी यहाँ है नहीं, सर्विस पे हैं। तो उनके छोटे भाई हैं, चाचा के लड़के, वो मेरे को दिखाने ले रहे हैं गाँव। भाई नाम सौरभ सारण, सौरभ सारण भाई। गाँव गाँव चंदौड़ी, चंदौड़ी खास, जिला मेरठ, यूपी है ना भाई। आज हरियाणा पार करके आ गए यूपी में, और मैं दिखा दूँ आपको। सौरभ भाई मिलवाने लग रहे हैं सबसे छोटे बड़ों से। तो चलो ये सौरभ भाई की, ये इस गली में जितने घर हैं ये दिख रहे हैं, ये सारे सारण हैं। अच्छा ये सारे सारण हैं। अच्छा ये देखो भाई, इधर देखो भाई, ये भी हैं है ना पूरी गली में इस। चलो बाकी अंदर पूछते हैं। ये घर है नितिन भाई का, मतलब कि सौरभ भाई के ताऊ का, ताऊ ताऊ है ना ताऊ। चलो भाई मेरे साथ हैं नितिन भाई के पिताजी, थोड़ी सी चोट लगी हुई है इनकी, इसलिए लौट तो इनका इंट्रोडक्शन और लेते हैं। देखो चोट लग रही है। भाऊ जी क्या नाम है? उदयवीर। उदयवीर सारण। उदयवीर सारण, सारण तो मन लगवाना पड़ा है। अच्छा तो आप सरपंच रहे हो गांव के पीछे? 84 में। 84 में रहे हो? अच्छा अच्छा तो अपने इस गांव में कितने घर हैं सारणों के? मारे में हाँ सारा गांव सारणों का ये बसाया हुआ, थोड़े बचे भी हैं। अच्छा जैसा हथवा जहाँ वैसा। हाँ वो तो चलो वो है, बाकी पूरा गांव मतलब सारणों का ही है। एक बन्ने है थोड़े देख पर। अच्छा अच्छा दूसरा गोद मतलब बन्ना है, उसके अलावा फोगाट भी है दो चार घर। दो चार तीन गांव अपना है मतलब सारणों का। तो कितने घर होंगे टोटल सारणों के? लगभग सारणों के होंगे कम से कम 300। अच्छा ये भाई सारे घर देखो चंदौड़ी खास में, सारे घर ये सारणों के हैं, इधर भी और ये इधर भी सारे घर, और ये आगे भी, ये सारे घर भाई सारणों के हैं। ये देखो चंदौड़ी खास जिला मेरठ। भाई ये देखो ट्रैक्टर भी सारण है। इस बात पे मैं और ये सौरभ भाई हंस रहे थे कि सौरभ भाई बता रहे थे सारे घर ये सारणों के हैं, तो सामने ट्रैक्टर आ गया। तो मैं कह ट्रैक्टर भी सारण है, तो सर भाई बोले हाँ ट्रैक्टर भी सारण है। चलो ये देखो ये सार्वजनिक जगह है, ताश खेल रहे बूढ़े ठहरे। चलो इन तो बतलाऊंगे थोड़ा सा, सारे अपने सारण बैठे हैं। ये लो भाई ये बैठे हैं यहाँ पे, ताश खेल रहे हैं सारे बूढ़े ठहरे। तो सब ने राम राम जी, एक राम राम ले लो बड़ी सी है ना। तो इसमें भाई सारे ही है मतलब। चलो इंट्रोडक्शन ले लें। हाँ तब के नाम है योगिंदर सारण। हाँ आपका जी? मंगत। आपका जी? योगिंदर। आपका भाई? संजय। आपका जी? करण सिंह। आपका जी? तो अच्छा 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 अच्छा। आपका? सुधीर। सुधीर। आपका दादा? रणवीर सिंह। आपका जी? पप्पू। पप्पू। आपका? बिल्लू। बिल्लू। आपका जी? रामदेव। मोस्टली मतलब अपने गोती हाड़ है, एक आध मतलब उसका भाई दूसरे गोत के बैठे हैं उनका भी मान सम्मान, बाकी अपने मोस्टली गोत के बैठे हाड़ खेलन ला रहे हैं ये। वोड़े सारे बैठे तो हंसन लागे, बोले उनका जरूर लियो, तो उनका इंट्रोडक्शन और करवा दें एक बार। चलो ये तो मखोड़ सा कर दिया। तो ये थे बताओ मैं मिलवाऊँ तब के नाम है, शकल नहीं दिख रही साइड में आओ। के नाम है? ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल सारण। हाँ अच्छा। और गांव? गांव चिंदौड़ी। चिंदौड़ी जिला मेरठ है। हाँ चलो। ये मतलब कह रहे थे इनका इंट्रोडक्शन जरूर लो, तो इंट्रोडक्शन कर दिया है।
चंद्रेडी खास की दूसरी गाड़ में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपने, ये नेम थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं, पर ये देखो सारण मोबाइल, और ये घर भी अपने सारे सारणा के हैं। चलो अंदर ले चलता हूँ, बात करते हैं। ये देखो भाई, भाई अंदर आ गया हूँ घर में, और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब बैठे हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? भाई जी डॉक्टर विपिन सारण। डॉक्टर विपिन सारण जी। अच्छा, तो गांव में अपने कितने क्या घर हैं इसमें? गांव में लगभग चंदौड़ी खास में, जी जी गांव चंदौड़ी खास है, जिला मेरठ में पड़ता है यूपी में। हाँ, और लगभग सारण हो गए गाँव में 350 परिवार। गांव अपना ही बसाया हुआ है पूरा जी? अच्छा, रामचंद्र जी थे। अच्छा अच्छा, उन्होंने गांव बसाया था। अच्छा अच्छा, रामचंद्र जी। अच्छा, तो गांव में अपने नौकरी पेशा वगैरह क्या? नौकरी संभ्रांत है गांव, हर परिवार में लगभग यदि ओवरऑल निकाला जाए तो हर परिवार में सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड है। कौन से डिपार्टमेंट में? सभी डिपार्टमेंट में है सर्विस, तो आर्मी में है लगभग सैकड़ों की संख्या में जो रिटायर हो चुके हैं। 200-250 मतलब हैं, 150-200 लोग हैं रिटायर भी, ओली और नई जनरेशन भी चल रही है। जो सेवा दे रहे हैं पुलिस में भी हैं ये, चाहे आपकी यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, CISF हो, CRPF हो, BSF हो। अच्छा, सभी में है। सब मेडिकल क्षेत्र में भी हैं, खुद के हॉस्पिटल भी हैं। अच्छा अच्छा। और SDM भी हैं, तहसीलदार हैं, बैंक में मैनेजर भी हैं। हाँ, तो टीचर काफी संख्या में टीचर हैं, शिक्षक हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, 3-4 इंटर पुलिस है, और वर्तमान में विदेश तक जो है डॉक्टर हैं और पायलट हैं। अच्छा, विदेश भी गए हुए हैं? हाँ, विदेश में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था 2001 में, तब से उस टाइम से ही अमेरिका में रहे। अच्छा, आप याददाश्त के तौर पे बता रहे हो कि मतलब जब हमला हुआ था उस टाइम से, मतलब उस टाइम से 20 साल पहले तभी से अमेरिका में। अच्छा, और तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमेरिका में, डॉक्टर साइंटिस्ट डॉक्टर वगैरह हैं, डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, और हमारे बाबा जी लगते हैं डॉक्टर जयपाल सिंह, लगभग 85 साल की उम्र है, रशिया से मेडिकल डॉक्टर हैं, पढ़ाई की। अच्छा, उन्होंने रशिया से मतलब सारी डिग्री वगैरह वहीं से ली थी, पढ़ाई वहीं से करी थी। अच्छा, मतलब गांव में पढ़ाई लिखाई के हिसाब से और नौकरी पैसे के हिसाब से फुल ठड्डा काम है, वो संभ्रांत परिवार है पूरा, गांव में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी के हिसाब से भी सभी गांव पूरा। अपने गांव में मतलब सरपंची वगैरह जो आपके यहाँ तो प्रधानी कहते हैं जी, तो कब से हैं और कौन अपने अपने परिवार में से आ रहा है? सारणों में से ही? सारणी बनता है शुरू से ही जी। अच्छा अच्छा, लगभग फिलहाल लगभग 70 साल से प्रधानियों से पहले सरपंची थी, जब मतलब मेरे ख्याल 56 में स्टार्ट हुआ था ये प्रधानी का, सरपंची का मतलब हमारे यहाँ तो सरपंची बोल दे, आप क्या प्रधानी, तब से हुआ, जब से ही लगातार, उससे पहले से भी जो सरपंच थे वो भी सारणी बनते हैं। अच्छा, हमारा ब्लॉक रोहटा लगता है, रोहटा में भी एक दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके। अच्छा, अब वर्तमान में जो जननी है हमारे पास में दूसरा ब्लॉक, उसके जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी हमारे सारण गोत्र के हैं, गोरी चौधरी भाई हैं हमारे। हाँ, इससे पहले योजना में उनके पिताजी रहे थे अनिल जी। अच्छा, तो अपने गांव में और भी गोत हैं जाटों के? हाँ जी, बाना गोत है एक, बाना है, तोमर है। अच्छा, और फोगाट है। फोगाट, तीन चार गोत हैं, मतलब चाल भी है, चैल भी है। अच्छा अच्छा, चार पांच गोत हैं, मतलब अपना सबसे ज्यादा जो है जाटों का सारण है और सारणों का बसाया है। अच्छा अच्छा, एक हिस्सा लगभग ये भी मान के चलिए आप 60-70% के लगभग है सारण है, बाकी अलग है, बाकी अलग। अच्छा अच्छा, चलो वैसे गांव पूरा 36 बिरादरी का है। हाँ, 36 बिरादरी देखो होता ही है, बाकी अभी अपना चैनल जो है सारणों के लिए ही। हाँ, तो मैं भी चल रही है, गांव जो बोला जाता है वो सारणों का ही बोला जाता है। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ कि आप, मैंने सुना पॉलिटिक्स में हो, किस डेजिग्नेशन पे हो, कौन सी पार्टी से हो? मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जुड़ा हूँ, RLD जी। अच्छा, तो आप किस डेजिग्नेशन पे, उसमें कौन से पद पे हो? पद पे पहले प्रदेश महासचिव था। अच्छा, और फिलहाल सभी का ही भंग है। अच्छा, पूर्व प्रदेश महासचिव। अच्छा, युवा, अच्छा अच्छा, युवा विंग के आप प्रदेश महासचिव? प्रदेश महासचिव। अच्छा अच्छा, अभी तो कार्यकारिणी भंग है फिलहाल। अच्छा अच्छा, तो भाई यहाँ से मैं कई बार इस रूट से गुजरा करता, मेरठ से होते हुए हरिद्वार, मेरे को नहीं पता था इतने काम है। एक हिंट था थोड़ा सा, ये बहुत टाइम 4-5 साल पहले ही बात कर रहा हूँ मैं। और देखो भाई साहब, यहाँ से जो ये मेरठ हाईवे है कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से, इस गांव से? 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर का फेर है देख लो, और इतने सारणियाँ मौजूद हैं, कभी मतलब इससे पता नहीं चला। मेरठ से जो बड़ौत रोड, हाँ जी, हाँ हाँ, मेरठ से जो बड़ौत वाला, हाँ हाँ, और आपका सीधा जो सोनीपत निकल जाता है। अच्छा अच्छा, जो नया बनाया है ये? नहीं,
पहला ही है, आप बड़ौद यहाँ से मेरठ से सीधे बड़ौद जाओगे और बड़ौद से फिर बागपत आते हुए निवाड़ा का जो पुल पड़ता है उससे सीधे बहालगढ़ जो निकल जाता है। अच्छा अच्छा हाँ जी, यहाँ से बड़ौद रोड 1.5 किलोमीटर अटके है बस, और हाँ जी रासना अड्डा बोलते हैं, रासना चौराहा। अच्छा, अच्छा। और वहाँ से बाईपास, मेरठ बाईपास जो आप दिल्ली देहरादून हाईवे जो बोल रहे हैं 10 किलोमीटर है। बताओ भाई इतने सारण यहाँ पे मौजूद है और अपने को पता ही नहीं था, पर आप सबको पता चल गया है तो देख लो भाई, यूपी में बहुत है अपने यहाँ पे भाई, सारण गोती अपने बहुत है। यूपी में लगभग 26 गांव है, यूपी में 26 गांव में मौजूद है अपने सारण, और प्रॉपर गांव भी है सारणों के आसपास में, हमारे पास में 7-8 गांव है प्रॉपर, जोड़ी हो गया, मीरपुर है, रामपुर है, भदोड़ा है, मल्लापुर है, नंदपुरा है, मुजक्कीपुर है, ये हमारे बिल्कुल आसपास में गांव है। चलो सब अच्छे भाई, यू था गांव चंदौड़ी खास जिला मेरठ का, और यहाँ जब मैं आया था जब गांव में ऐसा लग रहा था कि कोई मानस नहीं दिख रहा, पाछे मिलने शुरू हुए तो मानस बहुत बढ़िया मिलनसार, और मानस ने देख के राजी होने वाले सारे भाई बैठ। यहाँ पर एक शिकायत है चंदौड़ी वाला था कि गोद नहीं लगाती है, ना तो मकाना को लिख रखा ना गाड़ी घोड़ा पे, तो भाई बहुत जरूरी लगाया करो, बहुत लगाओगे तो हमने शायद उसके आज 10-20 साल पहले मेरा पड़ जाता कि आड़े सारण रह रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है यही। तो भाई सारे भाई वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, चैनल में सब्सक्राइब करो, मिलेंगे अगले गांव की अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।